शासन के निर्देश पर जन सुनवाई में नगर निगम के सभागार में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से 2 बजे तक प्रत्येक समस्याओं का जन सुनवाई किया जाता है। इसका नाम संभव समाधान दिवस दिया गया है। समस्याओं का तुरंत निस्तारण के माध्यम से जन सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है और आने वाले प्रार्थना पत्रों का त्वरित और उचित गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जा रहा है। अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए एक व्यक्ति के आवेदन में कुछ गलतियां थी, जिसे ठीक करके उसे तत्काल प्रमाण पत्र सौंपा गया। उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री के नेतृत्व में जो त्वरित जन सुनवाई हो रही है, उसका उचित गुणवत्ता के साथ निस्तारण हो रहा है। उसकी वजह से आम जनमानस में नगर विकास विभाग और गोरखपुर नगर निगम के लिए विश्वसनीयता बढ़ी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, वो उस महीने के तेल में तो ऐड होगा, लेकिन वो जो बैलेंस चल जाएगा वो उस महीने में चलेगा ना। ये अभी दिया था इन्होंने, तत्काल का निर्धारण, तत्काल सर्टिफिकेट बन गया, तत्काल इनको दे दिया। क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र। आवेदन किए हैं आवेदन अभी अभी आज आज अभी एप्लीकेशन दिए हैं संभव में। संभव जो दिवस है उसके तहत तुरंत इसको बनवाया गया, बनवा के इनको दिया जा रहा है। दिवस प्रत्येक जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण के माध्यम से जन सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है और आने वाले प्रार्थना पत्रों का त्वरित और उचित गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जा रहा है। अभी आपने भी देखा कि आज कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि किसी की पत्नी का देहांत हो गया था और उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में कुछ औपचारिकताओं की वजह से दिक्कत आ रही थी। वो जैसे ही उन्होंने आज यहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र की हम लोगों ने तुरंत उसकी जांच कराई और जांच करा के तुरंत ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसकी पत्नी का उसको हम लोगों ने तैयार करा दिया और सबकी मौजूदगी में उसको उसकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया। उसने माननीय मंत्री जी को, नगर निगम गोरखपुर प्रशासन को हार्दिक धन्यवाद दिया कि तत्काल ही उसकी समस्या का निराकरण हो गया। इसी प्रकार आज कई और भी कुछ समस्याएं आई थी, जैसे कुछ जगहों पर उनकी डिमांड थी इस रूप में कि सड़क बना दी जाए, नाली बना दी जाए, जहाँ पे हम लोगों ने तत्काल हमारे बैठे हुए अभियंता गणों ने बताया कि साहब ये चीज़ें हैं और इन पे ये कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोगों ने तत्काल उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। जैसे कि एक कुछ जगहों में हमारे मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं और वो ईंट भट्टे और एकदम लो लाइंग एरिया है, तो कुछ धनराशि से वहाँ पर पहले से ही खड़ंजा और आगे काम कराया जा रहा था, लेकिन आज ही वहाँ के पार्षद महोदय ने, हमारे पब्लिक ने वहाँ की समस्याओं को रखा और हमने क्षेत्रीय जो अधिशासी अभियंता से उनसे बात करने के पश्चात तत्काल ही उस फाइल को आज ही उसको जो है स्वीकृत करके मौके पर तत्काल काम करना शुरू करने के आदेश दे दिए गए। तो निश्चित रूप से मैं जो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, नगर विकास विभाग, उनके कुशल नेतृत्व में जो जन सुनवाओं की त्वरित सुनवाई हो रही है और जो त्वरित उचित गुणवत्ता के साथ जो निस्तारण हो रहा है, निश्चित रूप से उसकी वजह से आम जनमानस में नगर विकास विभाग की, नगर निगम गोरखपुर की विश्वसनीयता बढ़ी है, साख बढ़ी ही है। और निश्चित रूप से हम लोग इसी प्रकार माननीय मंत्री जी के अपेक्षाओं के अनुरूप और भी मेहनत से काम करते हुए प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर अपने प्रार्थना पत्रों को लेकर आए, उनके प्रार्थना पत्रों पे हम लोग त्वरित निस्तारण करते हुए, त्वरित समाधान देते हुए उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ उसका समाधान करेंगे।